हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी का 10 अनमोल सोच, जिनके हेल्प से हम अपने पर्सनल लाइफ में एक सक्सेसफुल और एक अच्छा इंसानियत का जिंदगी जी सकते हैं। आइए जानते हैं वो 10 अनमोल सोच है क्या। नंबर 1, टू नो योरसेल्फ, खुद को पहचान। अगर आपका एबिलिटी आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, आपका सर्कल पता है, आपका एनवायरमेंट पता है, तो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम को आपका एबिलिटी के हिसाब से उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपके लाइफ में, एक अपॉर्चुनिटी एक अवसर बन जाएगा। वो तब होगा जब आपका में अंदर में क्या करने की साहस है, क्या करने की क्षमता नहीं है, तो उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा। सेकेंड, पहला पॉइंट जो आपने जाने आपके बारे में क्या एबिलिटी है क्या एबिलिटी नहीं है, उस जो जितना भी पॉइंट आया उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करोगे। जब तक आपको वर्कआउट नहीं करोगे तो आपका क्षमता नहीं बढ़ेगा। जब आपको सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है आपको उसके ऊपर जब आप वर्कआउट करोगे वो आपके आपका पॉजिटिव एबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो एक्सेप्ट करना सीखो, जो आपके अंदर में है उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर वर्कआउट करो, ताकि आपका कमजोर पॉइंट आने वाला टाइम में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन जाए। तीसरा, विनम्र स्वभाव, मतलब झुकी के ग्रेचुटी जैसा रहते हैं, झुक के रहें। आप जितना भी बड़े इंसान बन जाओ लेकिन आपका स्वभाव विनम्रता रहेगा, तब आप दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। लाइफ में कभी कभी नॉलेज से ज़्यादा हमारा स्वभाव, हमारा एटीट्यूड कैसा है वो भी डिपेंड करता है। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आपका एक दो मिस्टेक को भी आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, चलो माफ़ कर देते हैं। लेकिन आपका स्वभाव सही नहीं है, आप जितना भी सक्सेस हो, एक टाइम आएगा आपका स्वभाव का लेकर आपको सब छोड़ देंगे। तो आपका स्वभाव आपका लाइफ में एक आभूषण होता है, जैसे हमने गोल्ड चेन पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, तो इंसानियत का एक स्वभाव है, एटीट्यूड कैसे बिहेव करता है वो सबसे उसका बड़ा हथियार होता है। नंबर 4, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। रतन टाटा जी सोचते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, तो वो जब अपना एजुकेशन ख़त्म किए वो स्टील प्लांट में फर्नास में काम कर रहे थे और इतना शिद्दत से काम कर रहे थे, तो आप देखिए कितना बड़े सक्सेस आदमी बने। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई हम किसी प्लेस में काम करते हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, स्वीपर है, हम उनको बोलते क्या यार छोटे आदमी। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, दो स्टूडेंट होंगे 7th या 8th क्लास का, उनका दो मम्मी लेके स्कूल जाने जा रहे थे, तो एक रास्ते में जैसे स्वीपर आते हैं म्यूनसिपालिटी, झाड़ू कर रहे थे साफ सफाई स्कूल का, तो एक बच्चा ने उसको मम्मी को पूछा कि मम्मी ये ऐसे काम क्यों करते हैं, तो उन्होंने बोला तुम अगर सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम भी आगे जाके ऐसे करोगे झाड़ू करना। तो दूसरा बच्चा ने उसके मम्मी को भी पूछा सेम क्वेश्चन, तो उन्होंने बोले अगर तुम सही से पढ़ाई करोगे तो उनके लिए तुम कुछ कर सकते हो, ताकि वो इस काम को ना करना पड़े। तो सोचिए डिफरेंस, हम बच्चे को क्या सिखाते हैं वो डिपेंड करता है, वो वही है उनको आगे लेने के लिए। रतन टाटा जी इतना सक्सेस बनने के बाद भी वो किसी को इरेस्पेक्ट नहीं करते, सबको रेस्पेक्टफुल से बात करते थे। कोई छोटा काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, टाइम के हिसाब से वो आदमी भी बड़ा हो जाएगा। तो सबको रेस्पेक्ट करना सीखो। 5th, पॉजिटिव सोच। रतन टाटा जी बोलते हैं आप खुद को पॉजिटिव सोच में रखिए। दुनिया जितना भी नेगेटिव हो जाए, जैसे आप पता है ना, हम जहाज में सफर कर रहे हैं, पानी के अंदर ही सफर कर रहे हैं, जब तक वो पानी वो जहाज के अंदर नहीं आएगा जहाज डूबेगा नहीं। उसी तरह हमारा लाइफ में प्रॉब्लम जो भी आए, अगर वो प्रॉब्लम हमारा माइंड में नेगेटिव सोच में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक हम हारेंगे नहीं, हम जीतते जाएंगे, वो हमें और ताकत देता रहेगा। तो पॉजिटिव सोच नेगेटिव सोच में कोई फर्क नहीं होता, हर सिचुएशन में कोई नेगेटिव सोचता है कोई पॉजिटिव सोचता है। जैसे एक ग्लास है उसमें आधा पानी है, एक आदमी देख रहा है उसमें आधा पानी है और एक आदमी देख रहा है उसको आधा खाली, एक देख रहा आधा पानी है वो पॉजिटिव को देख रहा है और दूसरा देख रहा नेगेटिव। सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, तो वो पॉजिटिव सोच रहा है वो नेगेटिव सोच रहा है, उसमें हम क्या होता एनर्जी मिलता है वर्कआउट करने के लिए, वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में लेकर कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी मिलते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखो, सबसे बड़ा मेडिसिन है पॉजिटिव सोच। अगर आपने सोच लिया ठान लिया वो काम आप कर ही लोगे। अगर आज रतन टाटा जी आज 2020 चल रहा है, अगर हम 2020 में ही जिंदा है और सारे बड़े बड़े बिजनेस मैन 2030 में जिंदा है या 2040 में जिंदा है या 2050 में जिंदा है, क्यों? उनका सोच, उनका पॉजिटिव सोच उनको 30 ईयर्स आगे लेके चला रहा,
लेकिन हम नहीं जाता। तो पॉजिटिव सोच रखो। सिक्स, न्यू स्टार्टअप। आप डे टू डे लाइफ में आप 9 से 5 बजे ड्यूटी कर रहे हो, या एजुकेशन स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते हो 10 से 4 बजे तक, स्कूल जाते हो एजुकेशन को, उनके साथ कुछ नया करने की सीखिए, ताकि जब कब लाइफ में एंड आएगा, एक टाइम गुजर जाएगा। जैसे हम लोग डेली, हम लोग भी सोचते हैं जो प्राइवेट लाइन में है वो सोच, जब परेशान है अरे मुझे गवर्नमेंट का तैयारी करना चाहिए था, जब गवर्नमेंट तैयारी करते करते जो फेल हो गए, अरे मुझे 2 घंटा पढ़ रहा था, अगर मैं 10 घंटा या 8 घंटा पढ़ता तो मैं जॉब क्रैक कर लेता। तो ये जो है, हम जो अफसोस लाते हैं वो क्यों लाते हैं, क्यों अपने लाइफ में हम कुछ नया नहीं करते हैं या कुछ सही से नहीं करते हैं, तब हमारा ये अफसोस आता है। वो अफसोस क्यों लाना है, रतन टाटा जी बोलते हैं, तो डेली आप कुछ नया कीजिए, ताकि जब आप मरने वाले हो या आपको एक टाइम चलने के बाद आप खुद के अंदर एक अफसोस नहीं आओगे, गिल्टी फील नहीं करोगे। तो नया कुछ करते रहिए, इनोवेशन के ऊपर वर्कआउट करें। जब तक आप स्टूडेंट हो तो इनोवेटिव के ऊपर स्टार्ट नहीं करोगे, खाली किताब से पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, तो नया करने की सोचिए। तो अगर 9 से 5 ड्यूटी जा रहे हो, ड्यूटी आवर के बाद आपको जो टाइम मिल रहा है, कुछ नया करने की सीखिए। अगर नहीं करोगे, एक टाइम आने के बाद आप भी अफसोस करोगे, मैंने टाइम कैसे गुजार दिया। लाइफ को मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, लाइफ को जीना और लाइफ को काटना होता है, तो आप सोचिए आपको क्या करना है। सेवेंथ, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना। रतन टाटा जी बोलते हैं, अपना सर्कल में जो भी है आदमी है तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करो। जैसे उनके लिए, वो तक बिजनेसमैन है, तो उनका कस्टमर के लिए वो एक ट्रस्ट वैल्यू, आपको पता है टाटा आज में हर घर घर में बसा हुआ, और टाटा इंडियन का एक उम्मीद है, एक ट्रस्ट है, भरोसा है टाटा। कैसे हुआ, वो सबका उम्मीद को लेकर खड़ा हुआ, सही रिलेशनशिप मेंटेन किया, जो चाहिए आदमी को वही दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। टाटा प्रोडक्ट एक ब्रांड है, एक ट्रस्ट है कि उसमें कुछ भी नेगेटिव मिलावट नहीं आता है। तो यही होता है रिलेशनशिप मेंटेन करना। आपको पता है टाटा जिस प्लेस में काम करता है वहाँ पे मेडिकल देता है, वहाँ पे रास्ता देता है, वहाँ पे एजुकेशन देता है, क्यों, उनके लिए इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कस्टमर है, उनको सबका ख्याल रखता है। हम भी रिलेशनशिप में अच्छा मेंटेन करना। आप तो खुद के फैमिली के साथ नहीं कर पाते, दूसरे के साथ क्या करेंगे। तो पहले खुद को पहचानो, अपना रिलेशनशिप को सही से मेंटेन करो, ताकि आप दूसरों का भी रिलेशनशिप को मेंटेन ट्रस्ट बढ़ा सकते हो। तो आपके अंदर, आपके साथ अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो आपके साथ लिंक करके रहेंगे, क्यों, कोई नहीं जाएगा टाटा से, आदमी कोई नहीं कहीं पे नहीं भागता है। तो सबके साथ सही रिलेशनशिप मेंटेन कर। रतन टाटा जी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भी ये सोच है 9 नंबर का है, वो है अगर आपको कोई काम को करने से दिक्कत आता है, वो प्रॉब्लम आता है और चैलेंजेस आता है, उस काम को पूरी शिद्दत के साथ फिनिश करो। अगर आप उस काम को पूरी शिद्दत के साथ कर लो, आपके अंदर एक नया तरीके का एक एनर्जी बिल्ड हो जाएगा। आप किसी काम को, आपका जो सोच है इतना हाई बढ़ जाएगा, जो सबसे आपका जो डिफिकल्टी टास्क था वो अगर आप शिद्दत के साथ कर लिए, तो आपका एनर्जी लेवल एक अलग लेवल में पहुंच जाएगा, और वो आपको सक्सेस का क्या कहाँ तक आपको लेके पहुंचा देगा वो आप नहीं समझ सकते हो। तो जो काम आपसे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको शिद्दत के साथ, पूरा मेहनत के साथ उसको फिनिश करिए, उसके बाद देखिए आपका पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आता है। नंबर 10, सक्सेस एंड अनसक्सेसफुल स्टोरी पढ़िए, ताकि उससे आपको आइडिया आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सब बोलते हैं सक्सेस स्टोरी पढ़ना, सक्सेस के साथ रतन टाटा जी बोलते हैं अनसक्सेस स्टोरी पढ़ो, इससे आपको आइडिया आता है। तो आपको मैंने रतन टाटा जी का 10 अनमोल सोच बता दिया, आप लाइफ में कैसे उसको यूजफुल करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप चाहते हो आप भी एक सक्सेसफुल सही इंसानियत बनना है, तो ये 10 आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब तक आप अपना सोच नहीं बदलोगे, आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। जैसे लाखों करोड़ों आदमी हर डे पैदा होता है और हर डे मरते हैं, उसी हिसाब से भी आप और मैं पैदा भी हुए और मर भी जाएंगे, कोई पहचान नहीं आएगा। तो एक खुद को एक हिस्ट्री बनाओ। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।